करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम टू जिया के व्लॉग्स और आज मैं दो दिन बाद अपना व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ कुछ बस बिजी थी घर में इस वजह से बना नहीं सकी तो आपने सबके पराठे देखे आंटी के मेरी अम्मी के अलीज़ा के आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने पराठे के मैं पराठे कैसे बनाती हूँ <laughs> तो इन्हें बुरे भी नहीं बने पहले मैंने सारे पेड़ करके रख लेने आटा मैंने रात को ही गूँध लिया था क्योंकि ताज़ा के ना पराठे बिल्कुल भी सही नहीं बनते तो बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी और इस वीडियो की जितनी स्पीड है इतनी स्पीड से काम हो जाए ना तो ज़िंदगी सफल हो जाए मैं कहती हूँ तो बस मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ अब क्योंकि नाश्ता खुद ही बनाना होता है और ये देखिए अब मैं डालूँगी पराठा और मज़ेदार किस्म का बनेगा पहला वाला इतना फिर भी अच्छा नहीं बना दूसरा जो बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें कमेंट करने में तो फिर भी चलो थोड़ी सी एफर्ट लगती है कि वो कुछ लिखना पड़ता है और लाइक में तो कोई एफर्ट नहीं है ज़्यादा सिर्फ एक आइकन को प्रेस करना है तो लास्ट भी वीडियो को लाइक किया करें इससे वीडियो की जो है रीच ज़्यादा होती है तो ये जी मैं जल्दी जल्दी बना रही थी और मेरी कोशिश होती है कि साथ ही ना दूसरा रेडी हो ताकि जल्दी जल्दी बनते जाए अच्छा पहले मुझे पराठा वगैरह नहीं बनाना आता था, था जब मैं हॉस्टल गई ना तो वहाँ जाके फिर हम मैंने सीखा और वहाँ पर फिर बनाने शुरू किए क्योंकि फिर हमारी रूममेट्स की फ्रेंड्स की बारी होती थी कि सुबह का नाश्ता इसने बनाना है दोपहर में रात में ऐसे तो वहाँ पर फिर मैंने सीखे और उसके बाद जो है घर आके भी थोड़ी सी प्रैक्टिस रही लेकिन अब फिर भी थोड़े सही हो जाते हैं तो आंटी ने बोला आपके पराठे सही होते हैं इसके किनारे जो है ना वो बस थोड़े से मोटे होते हैं उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है तो मेरी कोशिश होती है कि किनारों को अच्छी तरह वो ना बारीक सा बेल पराठे सही बने इसके बाद मैंने इनको रख दिया हॉट पॉट में बर्तन वगैरह मैंने सारे रख दिए थे चाय बन गई थी सिर्फ अब सालन गर्म करना था और हमने किया नाश्ता इसके बाद जी मैं चली गई फॉर्म और वहाँ पर वो जो ब्लैक सी मेमी अकेली खड़ी है ना वो हमारी है वो कुछ भी नहीं खाती बेचारी उदास है उसकी रुखस्ती जो हुई है और ये जो मैडमी है पहले से ये टका टक तक कही जा रही है तो ये यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है ये अपनी डिश को इन्जॉय कर रहे हैं इसके बाद जी मैं घर आ गई नुमान आ गए थे उन्होंने अभी नाश्ता करना था उनके लिए नाश्ता निकाला और इसके बाद मैंने जिमल के लिए बनाना और एप्पल काटा वो उसका उसका नाश्ता करवाया और इसके बाद जी मैंने समेटने थे सारे काम जिमल बड़े नखरों वाली है आपके बच्चे कैसे खाते हैं मुझे लाजमी बताइएगा ये जी बैठी हैं जिमल और टोकरी का सत्यानाश कर रही हैं इसके बाद जी मैं आ गई रूम में पहले मैं अपना रूम सेट करके फिर नाश्ता करती थी अब नाश्ता खुद बनाना होता है तो पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद जी मैं रूम में आई सेटिंग वगैरह की और सारे घर को जो चमकाया अच्छा मुझे कॉटन की बेड शीट अच्छी लगती है ये जो कॉटन साटन की होती है ना ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है तो मुझे वो वाला स्टफ ज़्यादा पसंद है तो अब तो वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो वो जो मोटी मोटी बेड शीट्स हैं वो बिछ जाएंगी वो तो बिल्कुल ही नहीं हिलती वो बड़ा मज़े वाली होती हैं कि जैसे मर्ज़ी उनके ऊपर रहो वो नहीं ख़राब होती मैंने बाकी सब रूम्स की भी ना सारी बेड शीट्स उठाई और इनको अच्छी तरह जो है वो झाड़ दिया क्योंकि आज शाम में आंटी का प्लान था कि वापस आना है तो मैंने सोचा कि सारी अच्छी तरह सफाई कर दूं ताकि कोई मसला ना बने अच्छा जो मर्ज़ी हो जाए माए सास जो हैं वो माएँ नहीं बन सकती और बेटियां जो हैं वो बहुएं जो हैं वो बेटियां नहीं बन सकती कहीं ना कहीं जोल रह ही जाता है इसलिए कोशिश अपनी पूरी रखा करें हंड्रेड परसेंट देने की बाकी अपने नसीब की दुआ किया करें तो बस भी मैंने सारी चादरें जो हैं वो अच्छी तरह जल्दी जल्दी झाड़ी और दोबारा से इनको बिछाया मट्टी बहुत आ जाती है पता नहीं कहाँ से आती है मुझे तो समझ नहीं आती इसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू दिया और ना इसके बाद ना मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया ज़्यादा नहीं क्योंकि काम था ज़्यादा और खाना भी बनाना था इसके इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी बस लगी हुई थी ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली आपके घर से भी इतनी मिट्टी निकलती है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा इसके बाद मैंने सारी सफाई वगैरह की वो क्लिप ना मुझे रिकॉर्ड करने का याद ही नहीं रहा और जब मैं एडिट कर रही थी ना रात को तब मेरे जहन में आए तो तब तो बस फिर सोने की तैयारी थी इसके बाद जी शाम में मैंने चेंज वग़ैरह कर लिया और ड्रेसिंग टेबल पर ना जिमल को मैं कोई चीज़ें पकड़ाती हूँ यहाँ से तो वो बस जैसे हाथ आती हैं मैं वैसे ही रख देती थी तो काफ़ी ज़्यादा ना बिखरा हुआ था तो सारी चीज़ें ना मैंने अपनी उनकी जगह पर रखी कुछ दिन पहले हम दावत पे भी गए थे तो उसके लिए भी तैयारी की थी तो बस जल्दी जल्दी में हम चले गए थे इस किट का ब्रश जो है वो नीचे गिर गया था वापसी पे अगले दिन जब मैंने सफाई की तो वो ड्रेसिंग टेबल के नीचे से निकला और फिर मैंने उसको दोबारा से उसके अंदर लगाया और यहाँ जी जिमल की सारी चीज़ें जो कि बिखरी पड़ी थी उनको सेट किया और थोड़ी सी भी चीज़ें बिखर जाए ना वो अजीब सा लगने लग जाता है तबीयत वैसे ही ख़राब होने लग जाती है तो ये जी फाइनल हो गया थोड़ा सा सेट हो गया नुमान की कवर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उस दिन उनके कपड़े भी कल्फ वो सॉरी प्रेस के लिए भेजे थे तो बस फिर जल्दी जल्दी वो दो तीन निकाल के बाकी मैंने ऐसे ही ठोंस दिए थे <laughs> तो आज मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ ये जो कॉटन की हैं इनको कलफ तो लग गई थी लेकिन सारे ना मैंने दिए नहीं क्योंकि अब मौसम हो रहा है चेंज तो सारे पहने नहीं जाने इसलिए मैंने तीन भेज दिए ताकि अगर वो यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद तो बंदा करवा ले ऐसे फिर वो ऐसे ही सीज़न में ना पड़े रहेंगे ये हैं जी पैंट्स और कुछ ट्राउज़र शर्ट्स जो हैं वो नहीं पहनने होते ये वाले फिर मैंने अलहदा ही रखे हुए हैं क्योंकि अब जब मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं तो मेरा प्लान था कि बैग के अंदर ये जो नहीं ट्राउज़र्स वगैरह पहने उसमें रख दूँगी तो ताकि जगह जो है वो थोड़ी सी खाली हो जाए आप तो तब तो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो ऊपर मेरा वाला कैबन भी थोड़ा सा ख़राब था निजिमल की बास्केट तो भरी पड़ी है वो भी बहुत सेट करने वाली है इसलिए बस मैंने आज ना एक ही किया मैंने कहा सोचा कि डेली एक कर लूँगी ताकि इतना बर्डन ना हो काम का रात में भी आगे नुमान और कुछ फ्रूट्स ले आए जिमल जो है वो शौक़ से खा लेती है तो इसलिए बस फिर उसके लिए फ़्रूट्स ले आए उसको मैंने बास्केट में निकाला रेहान ने अपने लिए वॉलेट ऑर्डर किया था वो आ गया था काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कि मेरा वो ऑर्डर पार्सल जो है वो नहीं आ रहा तो वो बस आ गया तो उसको उसकी ओपनिंग की और ये थोड़ा सा स्टाइलिश सा था और इसको एक बटन प्रेस करें तो कार्ड्स जो है वे निकल जाते हैं इस क्या ना ये ज़्यादा मतलब उसको वो कार्ड्स के लिए चाहिए था उसके कार्ड जो वो ज़्यादा है ए कार्ड हो गया जैस कैश अकाउंट जो सारे हैं ना तो उसके लिए उसने ये ऑर्डर किया रात में हमारा प्लान बन गया कि हम कहीं जाते हैं तो बस फिर हम चले गए बाहिर आउटिंग पे और ले आए कुछ कुछार में जिमल को ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि गाड़ी जो है ना मैं ड्राइव करूँ और खड़ी होकर करूँ मान करते हैं कि चलो गोद में बैठ जाए तो ठीक है ऐसे मुझे नज़र नहीं आता लेकिन उसकी जिद मुझे शौक़ है गाड़ी सीखना का मुझे लगता है कि मुझसे पहले न मेरी बेटी ने सीख लेनी है तो बस ये रात में हमने लिया अपना ऑर्डर और वापस आ गए खाना खाया आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा वीडियो को लाइक तो लाजमी 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 करना है कमेंट भी कर दें सब्सक्राइब भी कर दें मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़